समाज सेवा करने के लिए किसी पद या इंस्टीट्यूशन का होना कोई आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति अपने लेवल पर रहते हुए समाज व देश हित में अपना योगदान दे सकता है, ये कहना है पूरी की दुकान संचालित करने वाले गुड्डू का। गुड्डू ने बताया कि सिधौली में वो पूरी की दुकान चलाते हैं, साथ ही हर ज़रूरतमंद को अपनी दुकान से भोजन मुहैया कराते हैं। आपको बता दें कि गुड्डू की पूड़ियाँ काफ़ी मशहूर हैं और दूर दूर से लोग पूड़ी का स्वाद लेने के लिए सिधौली में गुड्डू पूरी की दुकान पर पहुँचते हैं और इसी में इन्होंने जनता की पसंद पर पूरी के साथ साथ कुलचा, मिस्सी रोटी, खस्ता, रसगुल्ला सहित गुजिया बनाना शुरू किया और मीठा खाने के शौकीन लोगों को गुड्डू के रसगुल्ले खूब पसंद आ रहे हैं। गुड्डू पूरी भंडार, बिल्कुल। आज आपने कार्यक्रम क्या आयोजन रखा है? आज यही किया है कि मतलब खाने वाला आइटम बढ़ाए हैं, जैसे फल फ्रूट, रसगुल्ले हैं, मसूर पूड़ियाँ हैं, मिस्सी रोटी है, कुलचा है, ठीक। और चाइनीज खाना ना खाएं भाई, हमारा ये देसी आइटम खाएं, ठीक। चाइनीज खाना बीमारी फैलाता है, ठीक। जैसे मैक्रोनी है, ये है, चाउमीन है, बर्गर है, इससे तो बढ़िया है मेरा फल ये खाए, नान खाएं, मिस्सी खाएं, कुलचा खाएं, भटूरा पूड़ी, ठीक। बिल्कुल, जैसे कि पूड़ी जितनी मशहूर है और आपने नया आइटम बढ़ाया है, नया आइटम जैसे कि कौन सा रहा बताइए? अरे बढ़िया मतलब रहा है, पसंद कर रहे बहुत अच्छा पसंद करते हैं। जैसे रसगुल्ला ज़्यादा अधिक लोग पसंद करते हैं, मशहूर हो गया है रसगुल्ला भी, गुजिया भी मशहूर हो गई, ठीक। क्या मार्केट के रेट से कितना कुछ आपने चीज़ों को रखा है? मार्केट से सबसे मद्दा आइटम देते हैं, बढ़िया देते हैं, ये नहीं कि खराब देते हैं। जैसे मार्केट में ये हमारा गुलाब जामुन 32 रुपए का, हम 20 रुपए के बेचते हैं, ज़्यादा मतलब नफा लेके नहीं बेचते, जनता की सेवा कर रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। बहुत अच्छी बात है। इसी कड़ी में क्या कुछ और कहना चाहेंगे जनता से? जनता से यही कहना चाहेंगे भाई, हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे, आशीर्वाद दें 26 जनवरी को, मतलब 26 जनवरी पे भी। सरकार से क्या कुछ गुजारिश करना चाहिए? सरकार से गुजारिश क्या करें बताओ, हम सरकार गुजारिश क्या करें बताओ, GST लगा दिया बताओ, इतना कितना परेशान हो गए हम लोग। क्या लगता है कि जैसे लोग आते हैं पैकिंग में सामान देना पड़ता है, कितना कुछ परेशानी होती है? हाँ, परेशानी बहुत होती है पैकिंग में, कुछ महंगा पड़ता है चीज़ें, क्या कुछ है? अब पन्नी यहाँ महंगी हो गई, मतलब बंद करवा दिया इन्होंने, यहाँ ब्लैक से बिकने लगी पन्नी, दिक्कत हो गई, लिफाफे में पैक करने लग मतलब करने लगे और दिक्कत बहुत हुई, लोग झोला लाना नहीं चाहते पब्लिक। तो आप पब्लिक से किसको संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो आते हैं तो झोला लेके? हाँ, पब्लिक आए तो झोला लेके आए तो ले जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये सब पन्नी सन्नी मिल नहीं रही, बहुत दिक्कत हो रही, कस्टमर को ना दो तो नाराज़ होता है।